नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः अर्हन्तो मङ्गलं कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मङ्गलम् आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मङ्गलं साधवो तव मङ्गलं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदेकामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वतीसभामध्ये सुलक्ष्मी ज्ञानरूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता मता। जवलो पंच परमेश भगवान की जय दाद सांगमयी सरस्वती माता की जय परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय भव्यात्माओं आश्रो त्रिभंगी की क्लास प्रारंभ हो रही है और उस क्लास में आज योग मार्गणा के अंतर्गत आश्रो का प्रकरण आप सब जानेंगे तो सर्वप्रथम मंगलाचरण विजिद चौघाई कम में केवल नारायण नादे वीर जिणे वंदिता जहा कम सवम छे यथाक्रम मार्गणाओं की प्रकरण में आपने गति इंद्रिय और काय मार्गना में आश्रव का प्रकरण जान लिया है ध्यान देना है सभी जिज्ञासुओं को कि काय मार्गना आपको इसमें अलग नहीं दिख रही है लेकिन पेज नंबर 21 पर देखिएगा कि 35 नंबर की जो गाथा है यहाँ सर्वप्रथम लिखा है इंद्रिय मार्गना काय मार्गना अब इसमें क्या है इसमें चार गाथाएं हैं और चार गाथाओं में तीन गाथाएं तो पूरी चार इंद्रिय तक के जीवों का आश्रय बता रही हैं और पांचवी जो अड़तीस नंबर की गाथा है इस गाथा में मैंने आपको बताया था कि इसमें पंचेंद्रिय जीव और सट के जीवों का आश्रय प्रकरण लिया है इसलिए इसी एक गाथा में कायमार्गना भी समाविष्ट है इसलिए इसको काय मार्गना मानना आप अपने अपनी किताबों में चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए कायमार्गना ताकि आपको ये ना रहे कि कायमार्गना नहीं है यद्यपि प्रारंभ में इसमें अध्याय के प्रारंभ में पैंतीसवें गाथा पर इंद्री काय कायमार्गना लिखी भी गई है इसमें चार चरण जो हैं पंचेंद्रीय जीवाणम पहला चरण ये पंचेंद्रीय जीवों की आश्रय व्यवस्था को बताता है और बाकी तीन चरण जो हैं तस जीवाणम पच्चया सव्य यानी त्रस कायिक जीवों के अंदर सारे प्रत्यय सारे आश्रय होते हैं और आदि से पंचस एन्द्रिय कहिद अड़तीसा यानी पृथ्वी आदिक पांचों प्रकार के एकेंद्रीय स्थावर जीवों में अड़तीस आश्रय होते हैं तो ये इसकी तीन लाइनें जो हैं तीन चरण ये काय मार्गना है इसलिए काय मार्गना छूटी नहीं है ये आपको जानना है और काय मार्गना का विस्तार भी इसलिए नहीं किया है कि एक इंद्री के जो पांच भेद हुए वह भी इंद्री मार्गणा के अनुसार हो गए और काय में पंचेंद्रीय जीवों का तो उसको भी पंचेंद्रीय जीव और काय को एक समान बता दिया है और जो विशेष बात थी वह भी हमने आपको इसमें बता दी थी कि पांच स्थावरों में से पृथ्वी जल और वनस्पति काय के प्रथम और द्वितीय गुण स्थान के समान आश्रव प्रकरण को जानना यानी इनके दो गुणस्थान होते हैं मिथ्यात और अग्नि काय वायु कायु की जीवों की रचना एकेंद्रीय में कहे गए प्रथम गुणस्थान केवल मिथ्यात गुण स्थान के समान समझना तो पांचों स्थावर में दो गुणस्थान दो में एक गुणस्थान और तीन के दो गुणस्थान तो ये काय मार्गना संपन्न हुई थी अब हम चलते हैं योग मार्गणा में अब आप उनतालीस नंबर की गाथा पर आ जाइएगा <tries> हार दुगम बजिता <tries> जो गानम तेर साम तेरसान गे गम जो गम पुण पखिता जो गम पुण पखिता ते दाला इधर यो गुणा ते दाला इधर यो गुणा रूप में गाथा पढ़िएगा हार दुगम वजिता जोगानम तेर साण में गेगम जोगम पुण पकिता ते दाला इधर यो गुणा आहार दिकम वर्जयित्वा योगानाम त्रयोदशानाम एकैकम योगम पुनः प्रक्षिप्य त्रिचत्वारिंशत इतर योगोनाम इसका पद्यानुवाद देखिएगा पंद्रह योगों में आहारक बिना जो आ, होते बि, बिना बचे जो तेरह योग एक एक, -एक ही योग मिलाकर बनता आश्रव का संयोग सभी पांच तो अविरति बारह और कसाय पच्चीस अपने अपने एक योग संग आश्रव होते ते ताली और फिर इसका उदाहरण भी दिया इसी एक नंबर 39 नंबर की गाथा में जैसे एक योग औदारिक काय योग में घटित करें योग एक मिथ्यात पांच बारह अविरति का जोड़ करें और 25 कसाय मिलाकर तैंतालीस का योग बना इसी तरह से सब योगों में आश्रो तैतालीस कहा ये भावार्थ भी इसका लेकर के और इसमें पूरा अर्थ गर्भित किया गया है अब हमें योग मार्गना के अंदर सर्वप्रथम ये जानना है कि योग कहते किसे हैं और योग के भेद कितने हैं अर्थात योग आपने जाना था काय वांग मन कर्म योग काय वचन और मन ये तीन योग हैं और इन तीनों के परिस्पंदन से आत्मा में जो क्रिया होती है सा आश्रवा उसको कहते हैं आश्रव अब आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के शब्दों में जानिए कि योग क्या होता है योग मार्गना का मतलब क्या है पुग्गल विवाही देहो दयेन मणवयन काय जूतस जीवस जाहु सक्ति कम्मागम कारणम जोगो पुद्गल विपाक देहोदयन मनोवचन काय जीवस्य याहि शक्ति कर्मागम कारणम योगा अभ्यात्मा इसमें कहा गया इस सिद्धांत को अच्छे से समझना पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की जो कर्मों को ग्रहण करने की कारणभूत शक्ति है उसे योग कहते हैं ये शरीर क्या है ये पुद्गल है इसलिए इसको कहा पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म और उस शरीर नाम कर्म के उदय से फिर क्या होता है जीव के अंदर यानी आत्मा के अंदर जो मन वचन काय से युक्त जो कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है यानी तीनों योगों का जो परिस्पंदन होता है आत्मा में हलन चलन होता है बस इसी का नाम है योग यानी कि आत्मा की अनंत शक्तियों में से एक योग शक्ति भी है आज बड़ी तेजी से योगा चलता है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए लेकिन यहाँ योग मार्गना जो है वह शारीरिक शक्ति का वृद्धिंगत करने के लिए काय योग है वो योगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है लेकिन यहाँ पर जो योग है यानी कि योग शक्ति है आत्मा की उसके दो भेद माने हैं भाव योग और द्रव्य योग भाव योग क्या है कि शरीर नाम कर्म के उद्देश्य से और पुद्गल पुदगल विपाग की अंगोपांग के उद्देश्य मन ही मन वचनकाय पर्याप्ति जिसकी पूर्ण हो चुकी हैं और जो मन वचन काय वर्गना का अवलंबन रखता है ऐसे संसारी जीव की जो समस्त प्रदेशों में रहने वाली कर्मों के ग्रहण करने की कारणभूत जो शक्ति है उसको उस शक्ति को भाव योग कहा है और इसी प्रकार जीव के प्रदेशों का जो परिस्पंदन हुआ तो वह द्रव्य योग कहलाया अब इसकी डिटेल में ना जा करके हम योग मारना में आश्रो की बात बताने के लिए आपके पास आ रहे हैं अर्थात अब आप समझिए जिस उनतालीस नंबर की गाथा को आपने आश्रो त्रिभंगी में पढ़ा है उसके अंदर कहा हार दुगम्ब जिता माने आहारक द्विक को छोड़कर पहले जानना है कि योग के कितने भेद हैं पंद्रह पंद्रह में चार मन मनोयोग चार वचन योग और सात कायोग इनके नाम सब जानते हैं सत्य असत्य उभय अनुभय सत्य असत्य उभय अनुभय ये चार मन मनोयोग चार वचन योग और कायोग में आहारक आहारक मिश्र वैक्रियक वैक्रियक मिश्र और औदारिक औदारिक मिश्र और कारमाण का योग ये का योग के पंद्रह भेद हुए अब इन पंद्रह भेदों में से कहा कि आहारक द्विक को छोड़ करके शेष तेरह योगों में जिसमें आश्रय को घटित करना है ध्यान से सुनना जिस योग के अंदर भी यो मार्गणा के अंदर आश्रय को घटित करना है वह एक योग उस एक योग को लेना और पांच मिथ्यात्व बारह अविरती पच्चीस कसाय ये तैंतालीस आश्रो एक योग संबंधी होते हैं अब यहाँ बात यह है कि आहारक द्वीप को क्यों छोड़ दिया तो आहारक द्वीप एक ऐसी प्रकृति है या ऐसा का योग है कि जो केवल छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को ही होता है उसके आश्रो के बाद आगे की गाथा में आप स्वयं आचार्युत मुनि के शब्दों में जानेंगे यहाँ पर तेरह योगों में आश्रम की बात को कहा है तो आप चाहे मनोयोग ले लें और चाहे काय योग ले लें कोई भी एक युग को लेने के बाद और उसके बाद में ये जो कहे हैं कि एक युग जैसे मनोयोग आपने ले लिया तो आप मनोयोग के अंदर फिर तीन मन के चार बचन के और पांच काय के इसमें बारह योग छूट जाएंगे एक ही एक खाली मनोयोग रह जाएगा और औदारिक काय योग में जैसे आप लेंगे तो औदारिक योग के तिरालीस आश्रय कैसे बनेंगे एक औदारिक योग पाँच मिथ्यात्व बारह अविरती और पच्चीस कसाय इस प्रकार से तिता तिरालीस फोर्टी थ्री आश्रव एक योग में हो जाएंगे इसी प्रकार से तेरहों योग में जिस योग के अंदर भी आश्रो को घटित करना है वह एक योग ले करके और बारह योग उसमें से घटा दिए जाते हैं तो बारह को घटाने से तैतालीस आश्रय बन जाते हैं तिरालीस आश्रय ही इसके अंदर माने गए हैं तो अब हम आगे इसमें चलेंगे कि पहले लेंगे असत्य मनोयोग उभय मनोयोग असत्य वचन योग और उभय वचन योग में आश्रो के प्रकरण को आप देखिएगा <coughs> बारह आश्रय कौन से घटे और तैंतालीस आश्रय कौन से हैं ये आपने जान लिया है बारह आश्रो घट गट, घटे हुए भी लिख लीजिए कि जो एक आश्रय लेते हैं उसके अलावा जो एक योग लेते हैं उसके अलावा तेरह में से तेरह में से एक को घटाया बाकी बारह तो बारह ऐसे घट गए यानी एक योग को ले लिया तो बारह उसमें से घट गए और तिरालीस का आश्रय तो कितने बन गए तिरालीस और बारह पचपन क्योंकि आहारक द्वीप को पहले ही छोड़ दिया है आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग को पहले ही छोड़ दिया है सत्तावन आश्रो में से तो इसलिए आपको ध्यान देना है क्योंकि बारह अगस्त को आपकी परीक्षा होने वाली है बीस श्लोकों की यानी बयालीस श्लोक तक बयालीस गाथाओं तक आपकी परीक्षा होने वाली है अब आप थोड़ा शीघ्रता में करके और योग मार्गना के अंदर चलेंगे और योग मार्गना तक ही हम प्रकरण को लेंगे उसके बाद वेद मार्गना से आगे का विषय चलेगा योग मार्गना तक ही यानी गति इंद्रिय काय और योग इन चार मार्गनाओं में आपकी लगभग ये 19 बीस गाथाएं आ जाती हैं उनकी ही परीक्षा इस आ, सेकेंड वाले सेशन में होगी तो अब इसमें आपको तिरालीस आश्रों जानना किसमें असत्य मनोयोग उभय मनोयोग असत्य वचन योग और उभय वचन योग इसके अंदर आश्रय के प्रकरण में तिरालीस आश्रों हैं और इन चारों योगों में गुणस्थान होते हैं बारह क्योंकि तेरहवें गुण स्थान में जाते ही सत्य मनोयोग सत्य वचन योग अनुभव मनोयोग और अनुभव वचन योग आ जाता है तो इन चार योगों में बारह गुणस्थान होते हैं पहले से लेकर के क्षीण कसाय तक बारह गुणस्थान हैं अब प्रथम गुणस्थान में आश्रव जानिए आश्रव हैं तैतालीस तो तिरालीस जैसे हमने बता रखे हैं फिर भी आप गिनती कर लीजिए पाँच मिथ्यात्व बारह अविरति पच्चीस कसाय और एक औदारिक का योग तो ये हो गए कितने तिरालीस आश्रों और अनाश्रयों में शून्य कोई भी आश्रम ये प्रथम गुण स्थान में चल रहे हैं और फिर इसमें विच्छुत्ति पाँच की पाँच मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हो गई कुछ लोग विच्छुत्ति को नहीं समझ पाते हैं विच्छुत्ति का मतलब है उस गुणस्थान से जितने आश्रय छूट जाते हैं चाहे भले ही फिर से उस गुणस्थान में आए तो वो फिर उदय में आ जाएंगे लेकिन उस एक गुणस्थान से जितने विच्छुत्ति हुई माने उसके अंत में वो छूट गए यानी उस, उस गुणस्थान तक रहते हैं और गुणस्थान के अंत में छूट जाना का मतलब है अगले गुणस्थान में नहीं रहना तो पहले गुणस्थान में तिरालीस का आश्रव शून्य का अनाश्रव और पाँच की विच्छुति अब हम चलते हैं द्वितीय गुण स्थान में तो द्वितीय गुणस्थान में तिरालीस में से पाँच घटा दिए अभी छुट्टी वाले तो कितने बचे अड़तीस अब अड़तीस पाँच घटा करके अड़तीस कित कैसे कैसे कौन कौन से हुए तो आप पुनः लिखिएगा बारह अविरती पच्चीस कसाय और एक औदारिक कायो तो ये हो गए अड़तीस और इसमें अनाश्रव पाँच का जिनकी विच्छुत्ति हुई थी पहले गुण स्थान में वे यहाँ पर अनासरो में आ गए अनासरों का मतलब है अब उनका आश्रय दूसरे गुणस्थान में नहीं हो रहा है तो पांच का अनासरय हो गया और चार की विच्छुत्ति हो गई कौन कौन से चार अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोक इन चार की विच्छुत्ति हो गई अब तीसरे गुणस्थान में चलते हैं हम तो अड़तीस में से चार विच्छुत्ति वाले निकल गए क्योंकि जिनकी भी छुट्टी हो गई उनका आश्रय अगले गुणस्थान में नहीं होगा तो चार निकल गए अड़तीस में से तो कितने बचे चौंतीस बचे तो चौंतीस में अगर आपको माथा बच्ची नहीं करना है तो आप लिखते जाओ मैं लिखवा रही हूँ आपको तो अड़तीस में से चार गए चौंतीस बजे तो उसमें बारहविरती इक्कीस कसाय क्योंकि 25 कसाय में से चार कसाय ऊपर निकल गई अब 21 कसाय और एक औदारिक का योग तो ये हो गए। 21 और 12, 33 और एक औदारिक का योग ऐसे 34 आश्रव हो गए तो 34 आश्रव और इसमें नौ का अनाश्रव माने कि पांच मिथ्यात्व और चार अनंतानबंदी क्रोध मान माया लोग ये मिलकर के नौ का तीसरे गुण स्थान में अनाश्र हो गया और विच्छुत्ति इसमें किसी की नहीं है शून्य ये आपको अच्छे से बिल्कुल एकदम गणित इसकी अच्छी समझ में आ गई होगी अब चौथे स्थान में चलते हैं ये किसका प्रकरण चल रहा है असत्य मनोयोग उभय मनोयोग असत्य वचन योग उभय वचन योग अब इसमें चतुर्थ गुण स्थान में भी चौंतीस का आश्रव वही चौंतीस जो अभी ऊपर बताए गए और नौ का इसमें अनासरव है वही नौ का अनाशरव जो तृतीय में है पांच मिथ्यात् और चार अनंतानुबंधी और इसके बाद चतुर्थ स्थान में पांच की विच्छुत्ति है तृतीय में कोई विच्छुत्ति नहीं थी चौथे में पांच की विच्छुत्ति हो गई चार अप्रत्याख्यानावरण कसाय और एक त्रसब्ध ये कितने हो गए पाँच पाँच की विचुत्ति हो गई चौथे गुण स्थान में अब हम चलते हैं पंचम गुणस्थान में पंचम गुण स्थान में उनतीस का आश्रव कैसे चौंतीस में से पाँच निकल गए यानी पाँच की जिनकी विच्छुत् हुई ना तो वो पाँचों गुण स्थान में घट गए चाह चौंतीस में से पाँच निकले उनतीस हो गए अब उनतीस के भी नाम आप लिख लो अलग से एक एक के अलग अलग नाम लिख लो आपको परीक्षा में आसानी रहेगी तो ग्यारह अविरति त्रसवत को छोड़ दिया गया था ऊपर त्रसवत की भी छुट्टी हो गई तो त्रसवत निकल गया ग्यारह अविरती रही और सत्रह कसाय यानी कि चार और निकल गई अप्रत्याख्यानावरण की और एक औदारिक काय योग तो कैसे बने ग्यारह और सत्रह ग्यारह <coughs> सत्रह अट्ठाइस और एक औदारिक का योग ऐसे उनतीस का आश्रय हो गया और अनाश्रय यहाँ पर चौदह का है नौ पाँच चौदह ऊपर के अनासरो और आश्रो बिच्छुत्ती को निकाल दीजिए ले लीजिए तो नौ और पाँच इसमें घट गए तो चौदह का अनासरो हो गया अनासरो की भी अलग से प्रकृति लिख लो आप पाँच मिथ्यात्व चार अनंतानुबंदी चार प्रत्याख्यानावरण और एक त्रसबद पाँच चार नौ चार तेरह और एक चौदह चौदह का अनासर हो गया और बिच्छु इसमें पंद्रह की पंद्रह की विच्छुत्ति कौन सी ग्यारह अविरति और चार प्रत्याख्यानावरण की तो ग्यारह और चार पंद्रह पंद्रह hmm. की विचुत्ति हो गई कौन से गुण स्थान की बात है पाँचवें गुणस्थान की बात है अब हम चलते हैं छठे गुण स्थान में छठे गुण स्थान का नाम विरत यहाँ अर्थात यहाँ से मुनियों की श्रेणी शुरू हो जाती है पांच गुण स्थान तक गृहस्थों की श्रेणी है और आरिकाओं की भी श्रेणी पाँच गुणस्थान तक है लेकिन उन्हें श्राविका मत समझना हैं वे उपचार से पर्याय जन्य अवस्था के कारण उनके गुणस्थान पाँचवा है वरना मुनि और आरिका की चर्या एकदम एक समान है उनका प्रायश्चित एक जैसा है उनके मूल गुण एक समान है और सब कुछ उनका एक समान है जैसे वे खड़े होकर के आहार लेते हैं वैसे आरिकाएं करपात्र में ही बैठ के आहार लेती हैं ये उनका मूल गुण है वे खड़े होकर के ले ही नहीं सकती तो खड़े होकर के आहार की जगह बैठ कर के आहार नग्नता की जगह अचेलक की जगह एक साड़ी क्योंकि वो नग्न नहीं रह सकते इन दो की बजाय आप ये सोचें कि 26 मूल गुण आ गए नहीं 26 नहीं है 28, उनके स्थान पर ऐसे तो ये व्यवस्था है कि वे स्त्री पर्याय में आरिका के व्रतों का पालन करती हैं उपचार से महाव्रती हैं और मूलाचार आदि ग्रंथों में उन्हें संयतिका भी कहा है तो गुणस्थान पर्याय की अपेक्षा से स्त्रियों के गुणस्थान छठा हो ही नहीं सकता इसलिए पांचवा है तो अब हम छठे में चलते हैं छठे में मुनिराजों की बात है तो छठे में कितने का आश्रव जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए आश्रव कम होता गया अनाश्रय ज़्यादा का होता गया तो आश्रव है अब इसमें चौदह का चौदह का आश्रो कैसे है उनतीस का ऊपर आश्रो था और पंद्रह की भी तो उनतीस में से पंद्रह घटा दिया बाकी बचे चौदह तो चौदह में क्या रहा तेरह कसाय चार संजलन और नौ नौ कषाय ये तेरह कषाय और एक औदारिक का इतने चौदह का आश्रो है और अनाश्रो है अब उनतीस का जो ऊपर आश्रो में थी वो यहाँ अनाशरो में आ गए उनतीस का अनाशरो पांच मिथ्यात्व ये संख्या थी ऊपर आश्रो की यहाँ अनासरों की जो संख्या अब उनकी गिनती करिए पांच मिथ्यात्व बारह अविरति बारह कसाय चार तो कितने हो गए बारह पाँच सत्रह और बारह कसाय सत्रह और बारह उनतीस हो गए तो ये उनतीस का अनासरो और इसमें विच्छुत् शून्य कोई भी बिच्छुत् नहीं है छठे सातवें गुणस्थान में भी सेम इसी तरह से है चौदह का आश्रव उनतीस का अनाश्रय और विच्छुत्ती किसी की भी नहीं छठे और सातवें गुणस्थान में इसीलिए काल इनका अंतर मुहूर्त है इसीलिए जो भी मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में रहते हैं झूला झूलते हैं अर्थात ज़्यादा देर तक छठा भी नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक सातवां भी नहीं रह सकता अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्त में बदलता ही रहता है अब आठवें गुणस्थान में चलें तो यहाँ आठवें गुण स्थान में चौदह का आश्रव चौदह का आश्रव तेरह कसाय एक औदारिक का योग ये चौदह का आश्रव है आठवें में और अनाश्रव उनतीस का है तो पांच मिथ्यात्व बारह विरति, बारह कसाय ये उनतीस का अनाश्रव और अब बिछुत्ती इसमें छः की हो गई तो हाथ शादी छः नौ कसाय इसमें से हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा ये छः नौकसाएँ निकल गईं और अभी इसमें तीनों वेद बाकी हैं तो नौवें से अब आगे बारहवें तक का प्रकरण कल के लिए चलाएँगे ये योग मार्गना आपको जानना है पहले चार प्रकार के योग हैं और उसके बाद में सत्य और अनुभव मनोयोग सत्य और अनुभव वचन योग की प्रक्रिया तक मैं आपको ले चलूंगी योग हम सबके पास योग हैं मन भी है वचन भी है काय भी है इन तीनों की चेष्टाओं से ही शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रव और बंद होता है इसीलिए कहा शुभ पुण्य से पापस्य पाप यानी शुभ कर्म करने से पुण्याश्रव होता है अशुभ कार्य करने से पाप का आश्रय होता है तो भव्यात्माओं ये जान करके आठ गुण स्थान तक के एक्सरसाइज आप योग के अंदर कर लेना यही आज के स्वाध्याय का सार समझना है जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोका लोक सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूं दो हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन क्या को